Ladies and gentlemen, we have with us Member of Parliament, Lok Sabha and Bharatiya Janata Party's leader, well, ladies and gentlemen, who is representing Mumbai North Central Constituency. She is also the National President of Bharatiya Janata Yuva Morcha, BJYM, the youth wing of the BJP. She has been described by many as dynamic, astute, passionate and hardworking, striking a sound balance between her role as a Member of Parliament and the President of BJYM. Her work with NGOs and taking care of her family, she epitomizes the progressive Indian woman of the 21st century. Ladies and gentlemen, she strongly believes in the public-politician partnership. Furthermore, she has been at the forefront of making Mumbai an international financial service center with Mumbai Next as its vice chairperson. Well, ladies and gentlemen, she is also a member of the Chief Minister of Maharashtra's war room that oversees implementation of marquee infrastructure projects of the state government of Maharashtra. She has also been appointed as chairman, Animal Welfare Board, Maharashtra State, and is the president of the Maharashtra State Basketball Association and on the board of governors at the National Institute of Fashion Technology. She has been recently appointed as the chairperson of India-Israel Forum of Parliamentarians by the FICCI, Federation of India Chambers of Commerce and Industry. Ladies and gentlemen, ye wo hasti hain jinse milne aap bhi bechain hain, ye dil bhi beqarar hain. Ji haan, unka naam lene ja rahi hoon jinka intezaar hai. Poonam Mahajan ji, main chahungi ki aap sabhi yahan inke bare mein kuch cheeze dekh lein aur phir hum unhe is manch pe bulana chahenge. So let's have a look at Poonam ji's audiovisual. So now may I request Poonam ma'am to please kindly come forward and speak a few words. Thank you. मैं जानती हूँ जब एक राजनीतिक नेता बैठा रहता है और फिर एक बहुत जबरदस्त महिला जिसने इस देश को पूरे विश्व में आगे बढ़ाया और अपना नाम रोशन किया तो मुझे पता है कौन किसको सुनने के लिए आता है. हमें तो रोज़ सुनते हैं और हम भी रोज़ सुनाते रहते हैं, लेकिन ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी मैं भी सुनना चाहती हूं. तो मैं ज़्यादा कथनी और करनी के रूप से आप जब ने कहा तो मेरी कथनी ज़रूर कम करूंगी और इनकी कथनी सुनना चाहूंगी. मंच पर आसनस्थ श्रीमती आशाबेन मेहता जी, आदरणीय राजीव मेहता जी, हमारी रॉक स्टार हु हैज रियली शेकन मी टुडे एंड सेड व्हाट्स स्टॉपिंग यू, वंडरफुल दीपा मलिक जी. मेरी माँ कहती थी, क्योंकि राजनीति में दिक्कत ये होती है दिन से शाम तक आप काम करते रहते हो और बहुत बार इसे थैंकलेस जॉब भी कहा जाता है, क्योंकि आप बहुत स्क्रूटनी में टिप्पणियों में फंसे रहते हैं कि ये एक बाथरूम नहीं बांधा, चार बातें हैं, लेकिन एक बांधा नहीं तो पूनम काम की नहीं है. ऐसे बहुत बार होता है, ये हमारा स्वभाव रहता है.
और मैं ये कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा काम हो ज़्यादा काम हो, लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि कहीं ना कहीं जाके शाम तक ऐसे हो जाता है कि मैं ये सोचती हूँ क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे. इट्स बेटर टू बी अ हाउस वाइफ, इन्जॉय लाइफ. आई हैव टू किड्स, आई मीन आई डोंट गेट टाइम विद देम, सो इट्स बेटर आई लुक आफ्टर देम. मैं प्राणी मात्रों के लिए बहुत ज़्यादा पहले से काम करती हूँ और मैं इतनी खुश हो गई आप प्राणियों के लिए भी काम कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि दैट इज़ माई पैशन. समटाइम्स आई से पॉलिटिक्स इज़ माई कंपल्शन, बट एनवायरमेंट एंड एनिमल्स आर माई पैशन. तो जब मैं ये सब देखती तो मैं सोचती हूँ, जब घर आती थी तो मेरी माँ मुझे यही कहती थी कि किसने रोका है तुझे. सेम थिंग शी यूज़ टू टेल मी इन अ डिफरेंट वे, किसने रोका है तुझे, छोड़ दे. लेकिन दैट मेक्स मी बिलीव दैट नो, आई एम नॉट हियर टू स्टॉप माई सेल्फ, आई एम हियर टू डू समथिंग बेटर. क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है, यहाँ पे बैठे हुए इतने सुंदर बैठे हुए लोग हैं, इनका सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि हमें भगवान ने कुछ करने की ताकत दी है और भगवान ने हमें ऐसी जगह पे रखा है कि अपने हाथ से हम चार अच्छे घरों का काम कर सकते हैं. इससे ज़्यादा दुआ क्या होगी. हम घूमते रहते हैं पूरे विश्व में कि भगवान कहाँ है, भगवान को ढूंढते रहते हैं, कहाँ है भगवान, वेयर इज़ गॉड. वी ऑलवेज क्वेश्चन दैट. गॉड इज़ एक्चुअली हियर, गॉड इज़ हियर. इनमें भगवान बसे हैं कि जो अपने रूप से लोगों के लिए काम करते हैं, और यही काम हमें करना है. मुझे लगता है यही इस ट्रस्ट का काम है. रत्ननिधि चैरिटेबल ट्रस्ट के इस जस्ट कार्यक्रम में रीटा गुप्ता जी ने मुझे बुलाया. तभी मैंने भी देखा, क्योंकि मैं सालों से सुनती आ रही थी, मैंने सोचा नहीं कि मुझे इतना बड़ा सम्मान मिलेगा. जहाँ पे रतन टाटा जी आए, अन्ना हजारे जी आए, इतनी बड़ी शख्सियत हर वक्त इसके साथ जुड़ी हुई है. और एमजी मेहता जी के बारे में कौन नहीं जाता, जिन्होंने हर वक्त ही ऑलवेज वॉन्टेड टू गिव बैक टू सोसाइटी. और सोसाइटी को देना तो हर किसी की इच्छा होती है, लेकिन कर्मठता से, मैं कथनी और करनी के रूप से जब कहा जाता है तो हर कोई कहता आई वॉन्ट टू गिव बैक, बट डू यू रियली गिव बैक. और सालों से, मुझे लगता है आपका 25वां साल है ये आपकी ट्रस्ट का, और सालों से कुछ ना कुछ करने के लिए वो क्षमता जो मुझ में है उससे ज़्यादा मैं लोगों के लिए करूँ, इससे ज़्यादा क्या होगा. 10 मिनट के इस पूरे वीडियो पे मेरे आँखों में आंसू आ गए. मैं खुद माँ हूँ, 13 साल का बेटा है, 4 साल की बेटी है. जब कुछ हो जाता है तो उफ्स भी करते हैं बच्चे, तो दिल में दर्द होता है. लेकिन जब वो लड़का कहता है कि मुझे मेरी माँ नहीं है, सुबह का नाश्ता मुझे नहीं मिलता और मैं गर्म खाने की राह देखता हूँ, मेरा दिल दहल गया. क्योंकि मैं ये सोचती हूँ मेरी बेटी कम खा रही है, ज़्यादा खा रही कि नहीं, बेटा फ्रूट खाया कि नहीं, एप्पल खाया कि नहीं, हम इसमें लड़ते बच्चों के साथ. उनको एक वक्त का खाना नहीं मिलता. ये बड़ी अच्छी बात है. मैंने ऐसे बहुत सारे NGO के साथ मैं काम कर चुकी हूँ, लेकिन वॉट इज़ एफर्ट्स, इट हैज़ टू बी दैट कंटिन्यूटी ऑफ एफर्ट्स, कि मैं सलगता करता रहूँगा. मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, तो हमारे यहाँ जो विचारधारा के साथ हम चले बढ़े, उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें बहुत कुछ पढ़ाया लिखाया. पंडित जी की किताबें जब मैं पढ़ती थी तो उसमें एक ही वाक्य मुझे ट्रस्ट को देखते हुए लगता है कि चरे वैती चरे वैती चरे वैती, चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए, रुकिए नहीं, कहीं थमे नहीं, जस्ट कीप ऑन गोइंग. एंड दैट्स वाई दिस ग्लोरियस 25 years ऑफ दिस ट्रस्ट हैज़ मेड दिस वंडरफुल वंडरफुल वर्क, नॉट ओनली इन इंडिया. जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को पूरे विश्व में एक गोल्डन स्पॉट बनाया हुआ है, वैसे ही इस ट्रस्ट में सिर्फ भारत नहीं तो पूरे विश्व में लोगों के लिए काम करें, इससे ज़्यादा सराहना और क्या हो सकती है. इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ. 2-3 मुद्दों में अपनी भाषा, मैंने अपनी वाणी को विराम करूँगी. वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मराठी में कहा जाता है, मैं मराठी माध्यम से पढ़ी लिखी हूँ, और मराठी में कहा जाता है वात्साल तर वात्साल, पढ़ोगे तो ही बचोगे. और ये जब हम छोटे थे हम इस पे विश्वास नहीं रखते थे, क्योंकि स्कूल बंक करना या कुछ और करना, इसमें हर बच्चे की तकलीफ़ होती है. जब, लेकिन मैं माँ हूँ, जब मेरा बच्चा पढ़ता नहीं तभी पता चलता है कि मेरे माता पिताजी किस रूप से अपनी दुविधा से जाते थे कि ओ गॉड पूनम नेवर्स टू स्टडी, ओ मे बी शी डिडंट डू दिस. सो नाउ आई अंडरस्टैंड एज अ मदर देयर इज सो मच विच वी एक्सपेक्ट. और ये किताबों की दुनिया जो है, आज मैं जब पार्लियामेंट में भाषण करती हूँ, लोगों की अपेक्षा होती है कि इस परिवार से आई है तो शी हैज़ टू परफॉर्म हर सेल्फ, दैट प्रेशर इज ऑलवेज ऑन मी. तो मैं पढ़ती रहती हूँ कहीं ना कहीं जाके, वात्साल तर वात्साल, पढ़ूंगी तो मैं जीऊँगी. ये मैं भी सीख चुकी हूँ, थोड़ी लेट सीखी हूँ, लेकिन यह बहुत ज़रूरी है. लेकिन 2.5-3 लाख किताबें, इट्स वंडरफुल, मैं सोच नहीं सकती.
और कहाँ, मुंबई, पुणे, सातारा, पश्चिम महाराष्ट्र में, आपने पूरे बेल्ट में महाराष्ट्र में ऐसी ऐसी जगहों तक पहुँचे जहाँ पे कभी कभी सरकारें भी पहुँच नहीं पाती, लेकिन ट्रस्ट पहुँची है। और ये दिल से नहीं किया चलो हम मुंबई बेस्ड हैं, मुंबई में रहते हैं सालों साल, तो यहीं कहीं एक फैशन हो गई ना, यहाँ की झोपड़पट्टी में जाके कुछ काम करेंगे, तस्वीरें खींचेंगे, ट्वीट करेंगे और काम खत्म हो जाएगा। लेकिन सातारा तक, महाराष्ट्र में, आई मीन भूटान और आप तो अफ्रीका तक पहुँच चुके हैं। लेकिन दो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं इस भारत में, वी आर लुकिंग एट अपकमिंग नेक्स्ट 10 years ऑफ कंट्रीज ग्रोथ, वर कंट्री इज गोइंग टू बी टॉप 3 nations इन द वर्ल्ड, एंड वी नो दैट वी आर द 6th largest इकॉनमी, नॉट डेमोक्रेसी, 6th largest इकॉनमी नाउ। वी हमने इंग्लैंड को भी पीछे छोड़ दिया है, एंड वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी राइट नाउ इन द वर्ल्ड। और ऐसे कर करके आने वाले 10 वर्षों में हम 3rd number पर पहुँचने के लिए हमें समय, मुझे नहीं लगता कम ज़्यादा लगेगा। वाई इज़ दैट? बिकॉज वी हैव अ यंग नेशन, हमारा देश युवा है। जियोग्राफिकली, बायोलॉजिकली जब आप देखते हैं क्यों भारत आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे संख्या युवाओं की है, 60-65% लोग 25 के कम उम्र के हैं, और यही देश का भवितव्य बनाने वाले हैं। और वो भवितव्य जब वो युवा बनाएगा तो ही वो देश आगे बढ़ेगा। और उसके लिए सिर्फ 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक पोषण और एक पढ़ाई। और इन दोनों चीज़ों के लिए आप सोचिए, दिस इज़ नॉट ओनली वर्क, जस्ट एन NGO इज़ डूइंग इट कि मेरे दिल को ठीक लगता है इसलिए मैं मदद कर रहा हूँ, पैसे आ रहे तो हम ये काम करेंगे। ये देश की, यू नो, इट्स ऑल अबाउट सोसाइटी, इट अबाउट कंट्रीज फ्यूचर, कि देश आज आगे बढ़ेगा तो इन यंग युवाओं के कंधों पे रह के आगे बढ़ेगा। वो कहीं धारावी में रह रहा है, सातारा में रह रहा है, वो नॉर्थ ईस्ट में कहीं नागालैंड में रह रहा है, उत्तर भारत में रह रहा है, दक्षिण भारत में रह रहा है, हर एक देश का युवा जब अपने सपने साकार करेगा तो ही इस देश का सपना पूरा होगा। और यही विचार आपके काम से दिखाई दे रहा है। पोषण नहीं होगा तो दिमाग में क्या मिलेगा? उस पोषण के बारे में आपने इतनी अच्छा काम किया है, हैट्स ऑफ टू यू, इट्स वंडरफुल। मैं बहुत अपने आप को गर्वांकित महसूस करती हूँ कि आज मैं ऐसे कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया। और दूसरी ज़रूरी, बहुत ज़रूरी बात होती है पोषण के साथ, आपकी पढ़ाई, कि बच्चा क्या चाहता है, कैसे आगे बढ़ सकता है, इन सब का आपने होलिस्टिकली विचार करके इस समाज के लिए। मैं हर वक्त कहती हूँ, टिल द टाइम सोसाइटी डजंट डिसाइड, द नेशन इज़ नॉट गोइंग टू गो फॉरवर्ड, एंड दीज हीरोज़ ऑफ सोसाइटी ओनली कैन डिसाइड हाउ नेशन इज़ गोइंग टू गो फॉरवर्ड। और यही किया है, इसलिए मैं रत्न निधि चैरिटेबल ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं सिर्फ कुछ शब्दों में धन्यवाद देना चाहती हूँ दीपा जी को, हम पहले भी मिले थे NDTV के एक कार्यक्रम में, बहुत सारी सेल्फियाँ भी खींची थी, मैं थे, अमिताभ बच्चन जी थे, वो थी। अमित जी की तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैंने बचपन से देखती आ रही हूँ घर के रिश्ते, लेकिन जब दीपा जी आई तो मैं कुछ ज़्यादा फैन गर्ल हो गई। और मैं इतनी खुश हुई कि आई शेयर्ड अ स्टेज विद अ स्ट्रांग वुमन। मुझे कहना भी बुरा लगता है कि आप महिला और पुरुष को अलग रखते हो, आई मस्ट से दैट। आई हेड द यूथ विंग ऑफ BJP, द लार्जेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट पार्टी इन इंडिया। यूजुअली हमारे यहाँ महिला मोर्चा भी होता है, तो यूथ विंग में महिला को देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बट दैट इक्वालिटी माई पार्टी बिलीव्ड इन मी, एंड दे डिडंट थिंक कि ये लड़की है इसलिए काम कर पाएगी या ज़्यादा कुछ कर पाएगी। इट जस्ट पूनम इज केपेबल एंड शी कैन बिकम यूथ विंग प्रेसिडेंट। सो आई एक्चुअली बेग टू डिफर व्हेन दे से शी इज़ अ वुमन एंड शी इज़ डन फैंटेस्टिक। शी जस्ट अ पर्सन हु हैज़ फैंटेस्टिक कैपेसिटी। एक जज्बा होता है कि मैं खुद ही हिल गई, मैंने आई एम गोइंग टू ट्वीट दिस वीडियो, हु इज स्टॉपिंग यू। जब आप खुद तय करते हो कि कुछ नहीं रोक सकता हमें, स्काई इज द लिमिट। मैं ये विश्वास ही नहीं करती हूँ कि महिलाओं को कोई ग्लास सीलिंग ब्रेक करना पड़ता है, ये तो पूरा इतना बड़ा आसमान है, तय कर लो और आगे बढ़ जाओ। और यही दीपा जी ने हमें दिखाया, और मैं बहुत गर्वांकित महसूस करती हूँ कि ऐसे हीरो हमारी भारत की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए अपने आप को पूरी तरह झोंक दे रहे हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और एक बात के लिए, कि यहाँ पे आए हुए सब लोगों ने ये विश्वास रखा कि भारत, भारत का सपना आप सबके काम से, मेहनत से जुड़ा हुआ है। हम सब एक समाज के रूप से आगे बढ़ें, आगे चलें, और यही सब हम तय करेंगे तो ही भारत का सपना पूरा होगा। आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। मैं विश्वास रखती हूँ सकारात्मकता पे, पॉजिटिविटी हेल्प्स यू कम्प्लीटली। और यही पॉजिटिविटी मैं दीपा जी में देखती हूँ, राजीव जी में देखती हूँ, सब में देखती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। यू हैव मेड माई डे फॉर दिस प्रोग्राम टुडे, और यही अच्छाई लेके मैं आप सबको बधाई देना चाहती हूँ।
I wish you all the very best. मैं आपको रत्न निधि चैरिटेबल ट्रस्ट को भी दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ. पूनम महाजन की तौर से एक कार्यकर्ता के रूप से मेरे हाथ से और कुछ काम हो सके तो ज़रूर आप मुझे आपके फास्ट डायल पे रख दीजिएगा, इतना ही कहूँगी. कंग्रेचुलेशन दीपा जी, इट्स माई ऑनर दैट आई एम गोइंग टू बी प्रेजेंटिंग द अवार्ड टू यू. आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड दैट आई मीट सच काइंड ऑफ पीपल एंड वी हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू टेक दिस नेशन फॉरवर्ड. बहुत बहुत धन्यवाद. Jai Hind. And now may I request to present the certificate and check. Ms. Poonam Mahajan to kindly present it to Ms. Deepa Malik. Taaliyan bajti rehni chahiye. Thank you.